हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोफिनो। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड के बारे में। बहुत सारे डिवैल्यूएशन इस कार्ड में हुआ है और आज के डेट में ये कार्ड कैसा है इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और बात करेंगे कि ये कार्ड आपके लिए आज के डेट में यूज करना फायदेमंद होगा कि नहीं। एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड में कोई भी वेलकम बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है। इस कार्ड के मेन बेनिफिट के बारे में बात करें तो इस कार्ड को यूज करके आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट में 4 लॉन्ज एक्सेस कर सकते हो पर ईयर। इस कार्ड को यूज करके अगर आप कोई भी फ्यूल स्टेशन में जाके फ्यूल डलवाते हो तो आपको 1% का सरचार्जेस वेवर मिल जाएगा। इस कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बात करें तो इस कार्ड को यूज करके अगर आप गूगल पे से कोई भी बिल पेमेंट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस या फिर डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज करते हो तो आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है। स्विगी, जोमेटो और ओला पे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 4% का कैशबैक मिल जाता है। दोनों कैटेगरी को मिला के टोटल आपको एक बिलिंग साइकिल में 500 रुपीज का मैक्सिमम कैशबैक मिल सकता है और बाकी सारे स्पेंडिंग पे आपको 2% का कैशबैक मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्पेंडिंग पे। और उसमें कोई भी कैपिंग नहीं है, अनलिमिटेड 2% का कैशबैक आपको वहां से मिल जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो, फ्यूल स्पेंड, ईएमआई ट्रांजैक्शन, वॉलेट लोडिंग, कैश एडवांस, रेंटल पेमेंट, गोल्ड या फिर ज्वेलरी परचेस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, एजुकेशन फीस पेमेंट, गवर्नमेंट पेमेंट अगर आप करते हो तो उसमें कोई भी कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। और ये जो ऊपर के कैटेगरीज है इसका जो MCCs है वो आपको नीचे दिख जाएगा। इस कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करें तो इस कार्ड का ज्वाइनिंग चार्जेस है 499 प्लस GST। एनुअल चार्जेस भी सेम है 499 प्लस GST। ज्वाइनिंग चार्जेस वेवर आपको इस कार्ड पे मिल जाता है। उसके कंडीशन के बारे में बात करें तो कार्ड लेने के बाद 45 डेज के अंदर अंदर आपको 10,000 रुपीज स्पेंड करना होगा और आपका जो ज्वाइनिंग चार्जेस है वो आपको वापस मिल जाएगा। एनुअल फीस वेवर कंडीशन के बारे में बात करें तो इस कार्ड को यूज करके एक साल में आपको टोटल 2 लाख या फिर उसके ऊपर स्पेंड करना है और आपको एनुअल फीस वापस मिल जाएगा। आपको एक चीज का ध्यान इसमें रखना है, वॉलेट लोडिंग और रेंट पेमेंट इसमें काउंट नहीं होगा। एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपको इंडियन रेजिडेंट होना होगा, आपका एज मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम 70 तक हो सकता है और आपके पास एक स्टेबल इनकम होना होगा। कितना इनकम होना चाहिए ऑफिशियली इसका कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं है एक्सिस बैंक के तरफ से, पर अगर आपका इनकम 6 लाख रुपीज या फिर उसके ऊपर है तो ये कार्ड आपको इजीली मिल सकता है। और इस कार्ड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको गूगल पे जो एप्लीकेशन है वहां से अप्लाई करना होगा। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कोई भी और क्रेडिट कार्ड है तो आप कॉल करके भी ट्राई कर सकते हो। पहले कभी कभी मिलता था कॉल करके, कभी वो लोग रिजेक्ट भी करते हैं, तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा। आप कॉल करके भी अपग्रेड के लिए ट्राई कर सकते हो। दोस्तों एक टाइम था जब एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड कैशबैक कैटेगरी का किंग हुआ करता था, पर टाइम के साथ साथ इस कार्ड में डिवैल्यूएशन हुआ है और कुछ न्यू कार्ड भी लॉन्च हुआ है जैसे कि SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड। तो आज के डेट में एक्सिस एस कार्ड को कैशबैक कैटेगरी का किंग हम लोग भले ही नहीं बोल सकते, पर यह कार्ड आज भी वन ऑफ द बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। और ये कार्ड शॉपिंग के लिए नहीं है, मतलब अगर आपको शॉपिंग के लिए एक क्रेडिट कार्ड चाहिए तो SBI कैशबैक या फिर दूसरे और भी क्रेडिट कार्ड है जो कि आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। पर अगर आपका मेन स्पेंडिंग, आपका बिल पेमेंट और ऑफलाइन स्पेंडिंग है तो ये कार्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड बन सकता है। हाँ, आपको बस आपके जो रिक्वायरमेंट है, आप कहाँ पे स्पेंड करने वाले हो उसके हिसाब से आपको एक्सिस एस कार्ड को चूज करना होगा। एक्सिस एस कार्ड को यूज करके अगर आप बिल पेमेंट करेंगे गूगल पे से तो आपको एक महीने में मैक्सिमम 500 रुपीज का कैशबैक मिल सकता है, मतलब 10,000 रुपीज का बिल पेमेंट तक आपको कैशबैक मिलेगा। उसके ऊपर आपका बिल पेमेंट हुआ तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। मेरे ओपिनियन में 10,000 रुपीज का बिल पेमेंट एक डिसेंट अमाउंट है, डिसेंट कैपिंग है एक नॉर्मल घर के लिए, क्योंकि एक नॉर्मल घर का बिल 10,000 रुपीज के ऊपर जनरली नहीं होता। तो ये कार्ड उस हिसाब से भी सही है और आपको ऑफलाइन और
कोई भी ऑनलाइन स्पेंड जो कि जनरल कैटेगरी में आता है उसमें आपको 2% का फ्लैट कैशबैक मिल जाएगा अनलिमिटेड, कोई भी कैपिंग इसमें नहीं है। बहुत सारे कैटेगरी में आपको कैशबैक नहीं मिलता ऑनलाइन स्पेंडिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो, पर ऑफलाइन स्पेंडिंग में आपको सारे जो स्पेंडिंग होगा ऑफलाइन का उसमें आपको 2% का फ्लैट कैशबैक मिल जाएगा। तो उस हिसाब से ये कार्ड बहुत ही बढ़िया कार्ड है। तो मेरे ओपिनियन में अगर आपका स्पेंडिंग बिल पेमेंट है और ऑफलाइन स्पेंड आपका ज्यादा है तो ये कार्ड के लिए आप बिल्कुल जा सकते हो। ऑफलाइन स्पेंड के लिए तो ये कार्ड एक मस्ट हैव क्रेडिट कार्ड है मेरे ओपिनियन में। तो ओवरऑल अच्छा कार्ड है, बिल्कुल रिकमेंडेड कार्ड है। आप बस आपका जो रिक्वायरमेंट है वो देखो और इस कार्ड को आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।